लेकिन दोस्तों अभी थोड़े टाइम पहले से हम लोग ने क्लासेस चालू किया है। जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, जिसको मीन्स स्कूल जाने का पैसा नहीं, उनके लिए रास्ते में हम लोग ने एजुकेशन मतलब स्टडी चालू की है। मीन्स उसको हम लोग ने नाम रखा है स्टेट एजुकेशन। तो हम लोग ने नालासोपारा ईस्ट, नालासोपारा वेस्ट, नालासोपारा वेस्ट बस डेपो के आगे जो स्लम एरिया उधर हम लोग बच्चों को पढ़ाते। नालासोपारा ईस्ट में लिंक रोड है, उसके आगे जो मतलब लिंक रोड के जय विजय बिल्डिंग है, तो उधर हम लोग गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी गोरेगांव वेस्ट में बस डेपो के आगे हम लोग ने बच्चों को पढ़ाना चालू किया है। अभी नेक्स्ट वीक में हम लोग मीरा रोड और थाने घोड़बंदर में हमारा ब्रांच चालू होने वाला है। तो गाइस हम लोग कम से कम 200 से 300 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग को भी मीन्स पढ़ाना हो या बच्चों को, तो आप आ सकते हो, ऑलवेज वेलकम। खाली मुझे एक मैसेंजर या इंस्टाग्राम या यूट्यूब में आप खाली मुझे मैसेज भेज देना। नालासोपारा वो नालासोपारा से लेके बैंड्रा तक कोई भी बंदा रहेगा, खाली मुझे मैसेज करना। हम अभी इसको एक्सटेंड करने वाले। हमारा बेसिक मतलब हमारा इंटेंशन क्या है एनजीओ का, कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते उनका सबसे पहले हम लोग बेसिक क्लियर करेंगे, मतलब इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना। उसके बाद जो बच्चा टैलेंटेड लगेगा उसको हम लोग स्कूल में डालेंगे, ये हमारा मोटिव है। तो अभी हम लोग ने चालू कर दिया है। हम लोग जो जिसको मतलब नए नए जगह पे ओपन करना है, जैसा कांदेवली जो भी मुंबई साइड में या अपना पालगढ़ साइड में, तो हम लोग उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड करके देंगे। खाली उनको पढ़ाना है, बस ये हमारा इंटेंशन है। और आपको जल्द हम लोग बुक से लेके सब प्रोवाइड करेंगे, खाली टीचर्स लोग को पढ़ाना है बस। वीक में हम लोग 3 दिन पढ़ाते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, और सबका टाइमिंग है 4 to 6 4 to 6 एंड 4 to 6। अभी थोड़े टाइम के बाद मैं हम लोग प्रोजेक्टर भी ले गए, हमें विजुअलाइज बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी आए, बच्चों को पढ़ाए। देखो हम नहीं पढ़ाएंगे, हम नहीं कुछ बच्चों के लिए करेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहला एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर इंडिया। तो गाइस आप लोग भी हाथ बटाओ, आप लोग भी आओ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, जिसको भी बुक्स डोनेट करना हो या पेंसिल ये सब डोनेट करना हो तो मुझे बता देना, क्योंकि कैसा कि हमें बुक्स की बहुत रिक्वायरमेंट है फिलहाल। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसको बुक से लेके कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें दे सकते हैं बरोबर। तुम्हारे हाथ से ही बच्चों को बुक्स देंगे जिससे बच्चे पढ़ेंगे। एंड दूसरा, जिसको बर्थडे सेलिब्रेट करना हो या कुछ भी करना हो तो आप ऑलवेज वेलकम, आप हमारे बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो, तो आपको अच्छा लगेगा। गाइस मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो हम लोगों ने एजुकेशन के लिए तैयारी चालू की, हमारा अभी 5 ब्रांच ओपन हो गया, मतलब 3 ब्रांच तो ओपन हो ही गया, 2 ब्रांच ओपन होना बाकी है। मीन्स मेरे को तो लग रहा है कि ये साल के अंदर हमारा टारगेट 1000 बच्चों को हम लोग पढ़ाएंगे, ये कमिटमेंट है। और इसके लिए पूरी टीम लगी पड़ी है, और मतलब हर एक जगह से लोगों का फ़ोन आ रहा है सपोर्ट के लिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि जिसको मुंबई में पढ़ाना हो तो खाली मुझे मैसेज कर देना, हर एक चीज़ प्रोवाइड करके दूंगा। तुम खाली बच्चों को पढ़ाओ, बस बच्चा पढ़ना चाहिए, ये हमारा इंटेंशन है। कुछ सब कुछ ला के देखे, बुक चाहिए, पेंसिल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो हमारी जिम्मेदारी, हम लोग कैसे लाना है, लेकिन पढ़ाओ यार, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमारी GDP से लेके हर एक चीज़ का ये कमज़ोर है, तो हमें उसके लिए मतलब खड़े रहना पड़ेगा डट के। अरे हफ्ते में 1 दिन तो टाइम दे सकते हो, संडे 2 दिन तो टाइम दे सकते हो, सैटरडे संडे, और जिसके पास टाइम है 3 दिन हफ्ते में टाइम दोगे ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। ये एक एक दो दो घंटा भी टाइम देना ना, बस हो गया। हम लोग एक एक जगह में 10-10 का टीम बना रहे, उसके अंदर कैसा कि जो टीचर्स अवेलेबल नहीं होगी तो उसको हम लोग दूसरे टीचर को भेजेंगे उधर, ऐसा हम लोग का एक पूरा ये है। तो अभी कम से कम 40 टीचर्स हमारे पास हो गई है, नालासोपारा वोसई के एंड गोरेगांव के, मीरा रोड में ओपन होने वाला, थाने में ओपन होने वाला, सबको मिला के 40 टीचर हो। आप लोग भी आओ, आप लोग भी सपोर्ट करो, एंड जिसको भी पढ़ाना होगा कुछ भी होगा तो मुझे खाली मैसेज कर देना। जय हिंद।